वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लास में। देखिए, कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हैं, जो इग्नू वाला से जुड़े हुए हैं, वो कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर हैं? दो सब्जेक्ट कोड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मेरे को दिखते हैं। एक तो आपको दिखाई दे ही रहा है ये सब्जेक्ट कोड, उनको ऐसा लग रहा है कि सर जो क्लासेस करा रहे हैं ना, सर जो क्लासेस करा रहे हैं ये केवल कॉन्सेप्ट क्लास इसकी है, BEGC 131 की कॉन्सेप्ट क्लास है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है। पर भाई एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, BEGC हो चाहे आपका BEGLA हो, इन दोनों का ही दोनों ही क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो चाहे आप इनकी मेरी क्लासेस ले लो चाहे इनकी ले लो, अलग नहीं है। जैसे आज की क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, BEGC में जो क्वेश्चन आता है मैचिंग का क्वेश्चन आता है, वो मैचिंग का क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। लेकिन यही मैचिंग का क्वेश्चन आपको BEGLA 136 में भी देखने को मिलेगा। BEGLA 136 अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो वहां भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको एक बात मैं बताया था, जो BEGC 131 वाले स्टूडेंट है ये BEGLA 136 की कॉन्सेप्ट क्लास भी देख सकते हैं, है ना। और जो BEGLA 136 वाले हैं वो BEGC कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हैं। घुमा फिरा के जब दोनों सब्जेक्ट कोड का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो आप एक क्लास को अपने कोड की भी देखो और दूसरे कोड की भी देखो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा उससे, है ना। डबल मेहनत करोगे तो डबल नंबर भी आपको वहां पर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आज जो मैं आपको बताऊंगा यह है आपका BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एग्जाम आपका कल होने वाला है, कल इसका एग्जाम है, इवनिंग शिफ्ट में इसका एग्जाम है दोस्तों, तो इसलिए दबा के मैं पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्लास ले रहा हूँ, फिर इसके बाद आपकी क्लास शुरू करूंगा मैं BEGLA 136 की क्लासेस में शुरू करूंगा आपके लिए, डन। इसके बाद ही एक लाइव क्लास में इसकी लूंगा, है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, कमेंट बॉक्स में मेरे को पता आप कह रहे हैं सर इसकी नहीं होगी क्या, होगी भाई, इसकी एक क्लास तो जरूर लूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, क्लास सबकी ली जाएंगी। प्रिपेयर बहुत जल्दी, टीम जितनी जल्दी मटेरियल प्रिपेयर कर देती है, मैं क्लासेस आपके लेना शुरू कर देता हूँ। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों, तो आज मैं जो बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था सेंटेंसेस बनाने, है ना। और साथ साथ मैंने तुम्हें सिखाया था कुछ वर्ड मैचिंग, अब मैं आपको डायरेक्ट मैचिंग करनी सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? मैचिंग करना। तो मैंने आपको पैसेज सिखा दिया है, सेंटेंसेज बनाने सिखा दिए, पैसेज भी बताया था कि पैसेज को सोल्व कैसे करना है, ये दो टॉपिक करा दिए। आज मैं आपको कराऊंगा मैचिंग, मैचिंग के बाद फिर हम देखेंगे जो भी उसके आगे का एग्जाम का पैटर्न होगा इसका BEGC का। तो क्या मैचिंग की क्लास के लिए आप सभी तैयार हैं? उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होंगी और सब चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। लगभग 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के आसपास ये सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैचिंग आपको कैसे करनी है। मैचिंग का अगर पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो मैचिंग का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। मैचिंग जब आपको कही जाएगी दूसरे क्वेश्चन में, तो उसमें दो कॉलम बने होंगे, एक होगा कॉलम ए, एक होगा कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ शब्द लिखे होंगे, कॉलम ए में क्या लिखे होंगे दोस्तों? कुछ शब्द लिखे होंगे, और कॉलम बी में कुछ मीनिंग्स लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे? कुछ मीनिंग्स लिखे होंगे दोस्तों, कुछ मीनिंग्स। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड है, कॉलम बी में कुछ मीनिंग्स है, वर्ड को किसके साथ, मीनिंग्स के साथ करेक्टली मैच करना है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपको कम से कम पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है, है ना, यानी वर्ड मीनिंग वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैब बोले तो आपका शब्दकोश, आपका जो शब्दकोश है दोस्तों वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शब्दकोश बेहतर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत आने वाली है। अगर आपके शब्दकोश में कोई दिक्कत हुई ना कहीं, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स कराऊंगा, फिर उसके बाद हम मैचिंग करेंगे, ताकि पहले हमें मीनिंग्स पता हो तो आप खुद पे खुद मैचिंग कर पाएंगे। मैचिंग की प्रैक्टिस मैं इसी क्लास में आपको कराऊंगा, लाइव चैट में आप क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे मेरे साथ, मैं क्या करूंगा आपको मैचिंग की प्रैक्टिस यही कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस कोई नहीं कराता, है ना। सोल्यूशन सब दे देते हैं, क्वेश्चन सब बता देते हैं, लेकिन कोई भी चैनल यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो इग्नू वाले बच्चों के लिए सोचता हो और क्या करता हो, उन्हें प्रैक्टिस कराने का मौका देता हो। तो उम्मीद है अब देखिए आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, 2.9 के सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गए हैं। आपका ये फर्ज बनता है कि आज शाम तक आप इन्हें 3K करा दें, बस इतना हमारे लिए इनफ होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, अपने जो भी आपके इग्नू के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर हमें शेयर करें, है ना। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम अभी भी बचा हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये एग्ज़ाम मेरा बचा हुआ, आप इसकी तैयारी कराइए। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हर कमेंट पर क्या किया जाएगा, क्लास बनाई जाएगी, नोट्स बनाए जाएंगे, डन। चलिए मैचिंग शुरू करते हैं। मैचिंग से पहले मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, उम्मीद है सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, दिखाई दे रहे हैं नहीं। देखिए हिंदी में मीनिंग मैंने इनका इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी ना आपसे पूछी जानी है और हिंदी के मीनिंग का करोगे क्या,
है ना, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मैच करना है, तो इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग भी आपको किस में पता होना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश में ही पता होना चाहिए। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगभग कितने शब्द हैं, लगभग 8 ये शब्द हैं, जिनमें है आपका डेमोग्राफिक, क्रॉनिक, रेस्प्लेंडेंट, अकोस्टिक, फ्रेल, फिर आपका आता है क्या, प्रोलिफेरेट, फ्रीक्वेंस एंड लीडिंग। ये कुछ वर्ड्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं वर्ड्स को हम क्या करेंगे, पहले इनका मीनिंग समझेंगे। हिंदी में आपको केवल बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर हिंदी लिखने की आदत डाल ली तो आपको पेपर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, और पेपर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन, जो जिनका एग्ज़ाम इसका है BHIC 132 हिस्ट्री, BHIC 132 हिस्ट्री का एग्जाम 27 को है, इसकी एक कॉन्सेप्ट क्लास मैं आज इवनिंग में लूँगा, इवनिंग में एक लाइव क्लास लूँगा इसकी, तो ये वाले दोस्त भी हमारे ना घबराएं, क्योंकि इसके बारे में भी लोग पूछते हैं। साथ साथ आकाश सर आपकी BHDC 131 की क्लास भी अभी लेंगे, वो भी क्लास प्रिपेयर हो चुकी है, जिसका एग्जाम आपका 24 तारीख को होना है। डन, तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, बिल्कुल बीच बीच में मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहूँगा। अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सबसे पहला है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक, डेमो का मतलब होता है लोग, डेमो ऐप से आपने शब्द सुना होगा डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब हमेशा लोग होता है, और लोग मतलब जनसंख्या, और ग्राफिक मतलब उसकी रूपरेखा। तो जनसंख्या या जनसंख्या की रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जनांकिकीय, जनांकिकीय रूपरेखा, क्या कहते हैं, जनांकिकीय रूपरेखा हम कहते हैं किसको, डेमोग्राफिक को। तो जो डेमोग्राफिक आपका शब्द होता है दोस्तों, जो डेमोग्राफिक आपका शब्द होता है, ये हमेशा पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या होता है, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन शब्द का मतलब होता है जनसंख्या। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा शब्द आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती हो, फॉर लॉन्ग टाइम। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलने वाली चीज को हम कहते हैं क्या, क्रॉनिक। क्या कहते हैं दोस्तों, लंबे समय तक चलने वाली चीज को हम क्रॉनिक कहते हैं। कहते हैं क्रॉनिकल डिजीज, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, कैंसर इज अ क्रॉनिकल डिजीज। कैंसर एक काल क्रम अनुसार चलने वाली, लंबे समय तक चलने वाली, या ऐसा कह सकते हैं जो कोई ऑर्डर फॉलो करती हो, जो एक ऑर्डर फॉलो करती हो, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल, आपने शब्द सुना होगा क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है ब्राइट या अट्रैक्टिव, और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं दोस्तों चमकीला। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, चमकीला। अगर मैं आपसे कहूं कि रेस्प्लेंडेंट पे मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाइए, क्योंकि ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेस्प्लेंडेंट पे एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे। डन, और मैंने इसका मीनिंग क्या बताया आपको, इसका मीनिंग होता है दोस्तों ब्राइट या अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक, है ना, जो आपको अट्रैक्ट कर पा रहा हो उसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव, यानी आकर्षक। इसके बाद आता है अकोस्टिक। अकोस्टिक आपने सुना होगा गिटार्स में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जो व्यक्ति गिटार बजाना जानता होगा उसे जरूर पता होगा कि गिटार में बहुत से पैटर्न्स होते हैं, जिनमें से एक पैटर्न होता है आपका क्या, अकोस्टिक। तो अकोस्टिक पैटर्न जो है ये रिलेटेड टू साउंड होता है, साउंड रिलेटेड आप इसे कह सकते हैं, साउंड रिलेटेड। तो जहाँ भी आपको साउंड वर्ड दिखाई दे आप उसे किसके साथ मैच करेंगे, अकोस्टिक के साथ मैच करेंगे। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इनके बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट भी देना है मेरे सामने। मैं अभी क्वेश्चन खोलूंगा आपके सामने मैचिंग का, और आपको मैचिंग मुझे करके दिखानी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, इसके अलावा आता है आपका फ्रेल। नेक्स्ट इज फ्रेल। अगला वर्ड क्या है आपका, फ्रेल है। फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, जो बहुत ज़्यादा वीक हो, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, कमज़ोर हो, है ना, कमज़ोर हो, जो धुंधला हो, यानी थोड़ा सा क्या हो, फेड हो, फेड हो, याद रहेगा आपको। इसके अलावा अगला है प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रैपिडली, और रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। रैपिडली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तेज़ी से। तो तेज़ी से जो चीज़ हो रही होती है, बढ़ रही होती है, स्पेशली ये किसका सेंस है, ये नंबर्स का सेंस है। जब नंबर में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, जब नंबर में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रैपिडली या प्रोलीफेरेट। क्या कहते हैं हम उसे, हम कहते हैं प्रोलीफेरेट, जो बहुत तेज़ी से नंबर्स में बढ़ रही हो। रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो रही हो, रिपीट अगेन एंड अगेन, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हो, या हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिकैप। क्या शब्द हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, रिकैप कर सकते हैं। जैसे पहले हम कोई नाटक देखते थे, आपको याद होगा पहले कोई नाटक देखते थे तो हम क्या करते थे, रोज जब भी उस नाटक को देखने बैठते थे तो सबसे पहले दिखाते थे कल आपने देखा है, तो रिकैप्चुलेशन देखते थे हम, उसका रिकैप देखते थे कि कल क्या हुआ था, सास और बहू के बीच में किस प्रकार की लड़ाई हुई थी सीरियल में कल, और आज उसी से कनेक्ट करेंगे, तो उसे हम रिकैप कहते थे। उसे क्या कहते थे हम, उसे रिकैप कहते थे दोस्तों।
तो यही रिकैप होता है आपका रिकरेंस, जो कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो, जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट होना। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग का मतलब होता है जो लीड में हो, जो किसमें हो, जो लीड में हो, लीडिंग का मतलब इन लीड, और इन लीड का मतलब कान वाली लीड नहीं है, ये नेतृत्व में, जो किसी नेतृत्व में है, जो कोई नेता हो, उसे क्या कहते हैं हम, लीडिंग, है ना। अब लीडिंग की अगर मैं बात करूं तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, हेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और हेड होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी इज अ लीडिंग पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी जो है भारत की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है, इस समय लीडिंग पार्टी है और इसके ज्यादातर लीडर्स देश के मंत्री हैं, है ना, और मुख्यमंत्री भी हैं। तो उम्मीद है वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे साथ के साथ और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस शुरू दोस्तों। और ये प्रैक्टिस मुझे आपको करके दिखानी है, मैं तो एक मिनट में इनके आंसर्स लगा दूंगा, लेकिन आपको इनके आंसर्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपकी प्रैक्टिस सेशन, चलिए प्रैक्टिस करिए। ये जो है ना, ये मैच वाला जो वर्ड है आपका, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो मैचिंग का जो क्वेश्चन है, ये आपका चाहे ये वाला सब्जेक्ट कोड हो बीई जी सी 131, चाहे आपका ये वाला सब्जेक्ट हो आपका क्या बीई जी एल ए 136, दोनों में क्वेश्चन आता है। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि सर अगर इसकी क्लास ले रहे हैं तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो चाहे उस वाली क्लास में प्रैक्टिस कर लेना, भाई मुझे तो दोनों ही जगह कराने हैं, बस इतना सा फर्क है, जब इसकी क्लास कराता हूँ तो प्रीवियस ईयर इसके उठा लेता हूँ, उसकी क्लास उठाता हूँ तो उसके प्रीवियस ईयर उठा लेता हूँ, इतने सब कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्लास तो आपको मेरी पसंद आती है क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं, आपके सामने दो सेक्शंस खुले हुए हैं दोस्तों, क्या खुले हुए हैं, दो सेक्शंस खुले हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है आपका सेक्शन ए, इस सेक्शन ए में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इस सेक्शन ए में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और एक है आपका सेक्शन बी जिसमें क्या लिखे हैं, मीनिंग लिखे हैं, क्या लिखे हैं दोस्तों, जिसमें कुछ मीनिंग्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, मीनिंग्स। अब आपको इन वर्ड्स को इन मीनिंग्स के साथ मैच करना है, आपके पास है केवल 5 सेकंड और मैं काउंट करूंगा साइड में होकर, जल्दी जल्दी आप इनकी मैचिंग करें। अगर मैं इन्हें नंबरिंग दे दूं दोस्तों, अगर मैं इन्हें क्या कर दूं, नंबरिंग दे दूं ए बी सी डी, तो क्या आप इन्हें मैच कर पाएंगे? अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ऐसे आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है दोस्तों, चौथा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वरना मैं भूल जाऊंगा, जो इस क्लास को देख रहे हैं, अब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ऑन हो गया है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इग्नू वाला के नाम से है, किस नाम से है, इग्नू वाला के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको ये वाली पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिस पर आपको क्या होगी, ये वाली पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस की ये पीडीएफ आपको उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कितनी अच्छी, एक तरीके से कह सकते हैं आपको गिफ्ट मिला है, अब आपको हर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जो पीडीएफ पेड हैं उनके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, और बाकी फ्री पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आपको अगर सर टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके लिए आपको दो काम करने हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप अपना क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरा चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है, चैनल में बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, पहला होता है होम, फिर वीडियो, देन प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी, ऐसे होता है ना, और फिर चैनल से लास्ट का सेक्शन होता है अबाउट सेक्शंस, क्या होते हैं अबाउट सेक्शन, जहां जाके आप ये देखते हो कि वाला पर टोटल कितने व्यूज आए हैं, देखते होंगे कुछ लोग, तो टोटल व्यूज जो जहां पर आप देखते हो उस अबाउट सेक्शन में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब करिए आप अपनी मैचिंग, अब आप अपनी मैचिंग करिए। देखिए मैचिंग की बात करूं तो कितनी आसानी से मैं मैचिंग कर सकता हूं, बिल्कुल सफ़ेद मार्कर से करें, कौन से मार्कर से, चलो सफ़ेद से रहने देते हैं, हम करते हैं आज एक नया मार्कर यूज़ करते हैं, इससे हम करते हैं। देखिए पहला शब्द है डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू पॉपुलेशन, तो जहाँ भी आपको पॉपुलेशन शब्द दिखाई दे रहा है डेमोग्राफिक का मैचिंग उसके साथ आप कर देंगे। लेकिन क्या पेपर में ऐसे मैचिंग करोगे आप, बच्चे हैं आप, पेपर में ऐसे मैचिंग नहीं की जाती दोस्तों, पेपर में कभी भी ऐसे मैचिंग नहीं की जाती, याद रखिए पेपर में कभी भी ऐसे मैचिंग नहीं की जाती। पेपर में जब आप मैचिंग करते हैं तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे लिखना होगा कि एक ही सही मैचिंग क्या है, एक ही सही मैचिंग है हमारी सेकंड, एक ही सही मैचिंग क्या, सेकंड। इस पैटर्न पे आप पेपर में सोल्व करेंगे, लेकिन मैं तो बच्चा हूँ अभी भी, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तुम्हारे सामने ऐसे करूँगा, पेपर में आप ऐसे करेंगे दोस्तों।
डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक मैंने बताया था जो लंबे समय तक चले, तो लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, क्रॉनिक के लिए क्या लगाओगे आप, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, याद रहेगा इतनी बात। तीसरा रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था चमकीला, ब्राइट एंड इंप्रेसिव, ब्राइट एंड इंप्रेसिव, इस तरीके से आप इसकी मैचिंग करेंगे। और अकोस्टिक मैंने बताया था रिलेटेड टू साउंड, अकोस्टिक क्या होता है, रिलेटेड टू साउंड, तो रिलेटेड टू साउंड के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी मैचिंग करेंगे। तो मैचिंग आपकी क्लियर हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, अभी उस पर 158 सब्सक्राइबर्स के आसपास है, यही हमारा ओरिजिनल चैनल है, ऑफिशियल के नाम से है इग्नू चैनल ऑफिशियल, किसी और का चैनल ज्वाइन मत कर लेना, है ना। लिंक के थ्रू ही आप ज्वाइन करें, फास्ट से फास्ट ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने दो पीडीएफ डाल भी दी है पहले, और आप ये पीडीएफ भी अभी आपको जैसी क्लास खत्म होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। डन, चलिए ये प्रैक्टिस आपने कर ली, अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप और करें। अब मुझसे मत क्या देना कि सर मैचिंग करा दो, मैचिंग करा दिया भाई मैंने, है ना। चलो, अब मैंने अभी आपको एक शब्द बताया था फ्रेल, पहले तो आप क्या कीजिए, इन्हें नंबरिंग दीजिए, क्या दीजिए, इन्हें नंबरिंग दीजिए, यहाँ दे दीजिए ए बी सी और डी, और यहाँ पर क्या कीजिए आप 1, 2, 3 और 4 दे दिया आपने नंबरिंग। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब इन्हें मैच करना है। वर्ड्स मैं आपको सारे सिखा चुका हूँ, कुछ नया नहीं है, वर्ड्स सारे सिखा दिए गए, तो इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब यह है कि सर जो आपने वर्ड सिखाए हैं उनसे इन्हें मैच में कर दूंगा। बात वही है कि जो आपका सेक्शन ए है इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और जो आपका सेक्शन बी है दोस्तों इसमें कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, इसमें क्या लिखे हुए हैं, कुछ मीनिंग्स। चलिए जल्दी जल्दी इनके मैचिंग करते हैं, नॉर्मल मैचिंग हम करेंगे। देखिए फ्रेल, फ्रेल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेल का मतलब याद कीजिए, सबसे पहले देखो जो जो सिंपल है पहले उन्हें कर लो आप। जैसे लीडिंग, लीडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडिंग वो होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी तो सीधे ही हो गई। रिकरेंस जो होता है, रिकरेंस जो हैपनिंग अगेन एंड अगेन, जो बार बार हो रहा हो। और प्रोलिफेरेट का मतलब क्या होता है, जो बार बार क्या हो रहा हो, तेजी से बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग रैपिडली नंबर्स, तो जो नंबर्स से बार बार बढ़ रहा हो, इस तरीके से इसकी मैचिंग होगी। और फ्रेल क्या होता है, जो वीक हो, जो क्या हो दोस्तों, वीक हो और डेलिकेट हो, जो वीक हो डेलिकेट हो। तो उम्मीद है मैचिंग आपको समझ में आई होगी, इसका भी आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। इनमें से अगर कोई शब्द आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरे को एक शब्द छोटा सा समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये तो प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर की, अब आप मैचिंग का क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे दोस्तों। तो पेपर में जब भी आप मैचिंग का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसकी एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है आपको, केवल करना करना क्या है, सबसे पहले इजी मैचिंग करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, इजी मैचिंग करनी है। इजी का मतलब जो वर्ड हमें देखते ही पता चल जाए, जैसे ये वाला वर्ड हमें देखते ही पता चल जाएगा क्या, लीडिंग, लीडिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले इजी इजी की क्या कर लो, मैचिंग कर लो, फिर जो डिफिकल्ट बचेंगे बाद में उनमें 50-50 चांस रहते हैं तुक्का लगाने के। शुरू में अगर आप तुक्का लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस मैचिंग करने के लिए आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए क्या, वो कैब आपकी ना, वो कैब थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। आपने अभी तक आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जिसमें भी आप हैं, आपने वो कैब पूरी जिंदगी बहुत सी सीखी होगी, वो आपको यहाँ हेल्पफुल रहने वाली है। आपका वोकैबुलरी सेक्शन जो है आपके दिमाग में, जो आपको वोकैबुलरी सेक्शन बना हुआ उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल आपको करना है। पहले इस्तेमाल करना है फिर विश्वास करना है, बिल्कुल घड़ी साबुन की तरह धो देना है पेपर को। और कोशिश ये करनी है दोस्तों कि सेक्शन बी के जो मीनिंग्स हैं इन पर फोकस बाद में करें, पहले सेक्शन ए के वर्ड्स देख लें कि इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो मुझे वहाँ पर आते हैं। तो उम्मीद है वैचिक की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और टारगेट हमारा केवल अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो 3K तक आपको हमें पहुँचाना है, ताकि 3000 लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ और ऐसी ही लाइव क्लास चलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से जल्द आप ज्वाइन करें।